हेलो वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग जर्नी। मैं आपका दोस्त और होस्ट शिवदीप सिंह चीमा। गाइस होप आप सबको घर पे अच्छे से होंगे और आज मैं आपको बहुत ही इजी पिज्जा सैंडविच बनाना सिखाऊंगा जो कि 5 मिनट में बन जाता है। चलिए आज इस पिज्जा सैंडविच को बनाते हैं और खाते हैं। इसके लिए हमें व्लॉग को शुरू करना पड़ेगा। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। जैसे कि आज मैंने बोला पिज्जा सैंडविच, तो पिज्जा सैंडविच आज वेजिटेरियन है, इसमें नो चिकन। एंड दिस इज फॉर माय फ्रेंड, उन्होंने फरमाइश की थी आप हमेशा नॉन वेज बनाते हो तो कुछ वेज में बनाओ और टेस्टी बनाओ। तो आज यही पिज्जा सैंडविच बनाएंगे, बहुत टेस्टी और वेजिटेरियन है, इसमें कोई नॉन वेज नहीं जाएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, some cut vegetables like jalapeno, mushroom, onion, orange pepper and tomato. And then we have tomato ketchup, seasoning salt with herbs, chili flakes and lots of cheese. सबसे पहले टोमेटो सॉस जो कि घर पे आराम से मिल जाता है, हम इसे ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। देखिए इसको अच्छे से हम लोग स्प्रेड करेंगे। आप इस पे ये पिज्जा सॉस का काम करेगा और टोमेटो सॉस का टेस्ट भी बेहतरीन होता है, तो बहुत मजा आने वाला है खाके। अब हम दूसरे भी इस पे लगा लेते हैं टोमेटो। अच्छा, इसको चारों तरफ अच्छे से लगा लें। जैसा कि हमारा टोमेटो केचप लग गया है, एंड इस पे हम ने इंग्रेडिएंट डालेंगे वेजिटेरियन लाइक वेजिस, ऑनियन। इसको आप तेल में हल्का फ्राई भी कर सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। इसमें हम कॉर्न भी डाल सकते हैं। एलापिनो अपने हिसाब से डालें, एलापिनो एंड टोमेटोस। सीजनिंग्स डालेंगे इसमें, सॉल्ट है एंड हर्ब्स है एंड हल्का सा हम लोग चिली फ्लेक एंड देन चीज। चीज एकदम अच्छे से डालें, पूरा स्प्रेड कर दें चीज। हमारा बेस तैयार हो गया एंड देन हम इस पे दूसरा डालेंगे। इस पे चीज पहले डालेंगे, फिर हम डालेंगे वेजीज, थोड़ा सा टमाटर एंड देन हम डालेंगे अलापिनोस। देख सकते हो बेहद खूबसूरत, एंड देन ऊपर से चीज। दबा लें इसको आप अच्छे से ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए एंड टूटे ना। आप देख सकते हो एंड देन इसके ऊपर हम लोग सीजनिंग डाल देंगे हल्की सी
और इसके बाद हम इसको ओवन में डालेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। गाइस ये रही हमारी ट्रे, इसको हम डालेंगे अपने ओवन के अंदर। मैंने अपना ओवन पहले प्रीहीट करके रखा है, अब इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 250 टू 300 पे है। इस पे हम अपना सैंडविच डालेंगे और उसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हो बाहर से बहुत ही अच्छा कलर नज़र आ रहा है एंड ये 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम निकालेंगे। देखिए गाइस कितना सही कलर आया है, ये हमारा पिज्जा सैंडविच ऑलमोस्ट तैयार है। इसके हम नीचे से देखेंगे कि कलर कैसा है। देखिए नीचे से बिल्कुल सही कलर आया है, एकदम बर्न नहीं हुआ और ये परफेक्ट बना है। इसे हम बीच में से काटेंगे, आप इसके 4 पीसेस भी कर सकते हो बट मैं 2 ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है ये, आप देख सकते हो गाइस कितना चीज़ है एंड कितना सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। आप इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ भी सर्व कर सकते हो एंड ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। गाइस आपने देखा कितना इजी है, कुछ आप इसमें कॉर्न और भी एक्स्ट्रा वेजेस डाल सकते हो। मैंने मशरूम डाला और बाकी वेजेस डाले जो कि घर पे इजीली मिल जाते हैं। चलिए अब टेस्टिंग की बारी, अब देख सकते हो कितना चीजी है एंड कितना यमी है। गाइस ऑसम, एक नंबर बना है, प्लीज प्लीज घर पे बना के देखें, बहुत ही यमी है। डोमिनोज भूल जाओगे आप घर पे, आप छोटी सी भी कोई भी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, आप लोगों को बना के खिलाएं, मेहमान को खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज मेरा चैनल रिकमेंड करें उन्हें और इसे बना के देखें, और बना के देखने के बाद मेरे चैनल पे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो गाइज मैं ऐसे ही व्लॉग बनाते रहता हूँ, फूड ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत इजी रेसिपी के साथ कुछ नया लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखते रहें और जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। और गाइज प्लीज लाइक चाहिए मुझे, लाइक।